बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रहमा नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुबान है अरबी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। जिन्स है लड़की, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल लड़कियों के लिए किया जाता है। रहमा की मुख्तसर इंग्लिश मीनिंग है मर्सी, ग्रेस, कंपैशन। उर्दू मायनी है रहम, फजल और हमदर्दी। रहमा नाम का मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफरिस्त है तंजानिया, नंबर 2 पर है इंडोनेशिया और नंबर 3 पर है इजिप्ट। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल हैं जुमा और सोमवार। नंबर 1 को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शामिल हैं चांदी, जबकि इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल हैं नीला और सबस। और मरकत नाम भी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है और इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं और अपने माली हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।